कहन कमरू मास्टर गोपालगढ़ के रहने वाले जिन्हों की गुटड़ी मेव खान की बात भरी हुई संगति कर रहे हैं अमर सिंह गोपालगढ़ वाले भपंगा पर, तो क्या बात शुरू होती है, क्या आगे दिन चालू होता है, क्या बात चलती है? जोगी मीरा सिंह ने भी खुर्शेद तैयबी नाम धर लिए।
दादा पंडित को बुलवा ले तो दादा। हाँ लड़का को नाम मेरा नाम जरूर बताऊंगा, वेद देख के बताऊंगा। वेद फैला ले कौन दादा पंडित कौन खुदा बख्श मेरे को क्या तुम तो हुक्म बनाते हो क्या कहते हो आओ लाला एक बात है खुदा बख्श मेरे। हाँ और दादा झूठी बात मत करे जो वेद कह जाए तो कौन क्या तो पंडित सुनाओ को कुछ वाले जवाब आने चलती है सही बतायो झूठ बच के मत बोल दीजो बेटा दू जगत देव झूठ बोले तो मेरे बस की नाने मैं झूठ ना बताऊ कौन कहता खुदा बकसमी भाई जन्म घुटड़ी लियो जब ही पंडित बुलवाए करो झूठ को दूर बांट के हमें सुनाए अपना अपना पुत्र को सब गाई को चाओ भाई लड़का कैसी वरण को गुरु जी हमको सच बताए। हाँ गुरु जी हमको सच्ची बात बता दो लड़का कैसो है कैसो सूरमा कैसो सावंत या कोई जमींदारो करेगो या कोई राज पाठ में सिर लिखो है दादा सही सही बात बताओ मेरा मैं वेद देखूं जो वेद बताएगो वही मैं आगे बढ़ा करके तो कूदूंगा तो कौन क्या तो बामन क्या तो नाम को बता तो क्या वेद में ना बोलते है क्या क्यों ढंग की बात आगे चलती है तो आज ही निहाल कर दे अगर सटेटा बाघोड़ा की पाल में ऐसा छोरा होने लग जाए तो
तो तेरे तो कोई भी आई गई को घाटो ना रे कौन खुदा बख्शूंगी पकड़ा दे और दादा पोता दोनों बतला ले कौन खुदा बख्श मेव और बामन जीवनी मेवनी घुरचड़ी के लिए दूध प्यारी लोटी लोटी बगल में छोटो सा बच्चा का कौन जीवनी मेवनी खड़ी होके नहीं जैसे बामन गाय बछड़ा ने पकड़ कर तेज पे बांध के नहीं नाच की पोट है चलो अरे दादा हाँ एक बात बता दे दोनों दादा पोता बतला लिया कई और को भी सुनाई कि कहा बेटी ओ जीवनी मेवनी कहा बात पूछ रही कह रहे तुमने नाव बताया बताया छोरा को नाव कहा धरो बेटी या को नाव हाँ रिया को नाव तो बेटी एक छोटो सो तो क्या तो बताते दादा कहा धर दियो मैंने तो सुनी ना दोनों दादा पोते बतला के चल दिए या को मैंने ना घुरचड़ी धर दियो जे पूछत हम होए भाई इस उपजन मौत जीवनी ऐसो तो सब काई के होए हाँ बेटी ऐसो तो मानक सब काई को दे दे सो तेरे दियो या को ना तो घुरचड़ी घुरचड़ी नु कहा जेवनी मेवनी तब पहले जो जुमरदीन को पहराओ जुमरदी में से भेड़ा में से निकाल के चांदी को जमानो चांदी का 5 रुपया ने पकड़ा दे किसको घर का बामन को ले दादा ये तेरी भेंट तेरी बधाई और मेरी बहुत अच्छो मालक तेरा बच्चा ने असल खैर राखे ओ बेटी तो बामन दुआ दे तो हो कूद तो हो गाय बछड़ा ने पकड़ के 5 रुपया चांदी का ने लेके पोट नाच की बंदी हुई घर पर तो जा करके नहीं आर हूँ याने बाम बामनी को हेला देरा बाने ही बामनी हाँ और निकलियो पंडितानी बाहर को निकलियो मरो भोजन देखे तो पोट बछड़ा गाय हाँ बामनी गडवा में पानी भर के लाती है गाय के खुरन पे गिरती है लेनो पावनी करती है करके लेने पावनी बांध देती है कि कहां से लाए खुदा बकस के मेव के और 150 हो के देसो दुनिया में ना काय के होर ना चाहते होए बा घोड़ियान के बहुत अच्छी बात तन्नू करके दिन दूनी रात चौगरी लड़का बढ़े करे पड़े करे तो काय दिन एक जो काय दिन दो जो काय दिन तीन जो ऐसे बढ़न लग जा कौन खुदा बकस को लड़का कौन घुरचड़ी तो ज्यादा बात तो है जी का या की 5-4 साल की उम्र हो जाए कौन की घुरचड़ी की कहाँ बिठा दे स्कूल में पढ़न के लिए कहाँ खुदा बकस भी ये कुछ कक्का केवड़िया ने बनान लगो पढ़न लगो बार खड़ी याने सूदी कर ली और जैसे याने बार खड़ी सूदी करी लिया को दिमाग लौटो करे तेरी ऐसी की तेज़ या मास्टर सु हम लोग कहेंगे मुंशी जी की जब ही जाकर के कहेंगे जा पेशाब करिया मुंशी जी दुखी जब कहेंगे जा जंगल फरागत होया या को इतना बड़ो डर अगर यहाँ के लप्पर दे तो 3 दिन तोड़ते आगे छीक ना उतरे ससरे की नहीं कह रहे हम ना आई स्कूल को वापस कह देंगे हम ना पढ़े लिखे मारी पिसायो मार दे और ये साथ भी कनक 3 को चढ़ जाए एक सूरमान की सूरमा बात तो याने बार खड़ी पड़ी ज्यादा पढ़ाई ना करी आके नहीं कौन सुख खुदा बकस बेल सुखुर चली कहते हो बाप हाँ भाई देर हम स्कूल पढ़न ना जाए की कहा बात है बेटा कोने भाई मास्टर तो हम तो फलानो काम करवावे ढेको काम करवावे ना मुतन को जान दे ना किसी पानी पास पीन को जान दे क्या बेटी का लड़ा का मांग के खाओगा पढ़ले तो लिख ले तो कुछ और कर तो सारा ढेर इस बकरीन पे चलो जाकर जरा बहुत अच्छा बकरीन पे कौन कर दे घुरचड़ी काले खा जमींदारा पे मेव खा घरे रहे तब तो या को कहा तीरो तीर कमान बना ले और सैतीन में मिलान लग जाए का या कोड़ा का पत्ता में काय दिन झाड़ का पत्ता में ऐसे सूंठ बैठान लग जाती है कमंठा सु या का दिल में फैसला आयो कि यारी बेवखा घरे नहीं पड़ो रहे सू तो कहने आज तक भी ना काम का धंधो कर तो देखो मारे तू फालतू के धेरे सुरो कम से कम ना तुम बछरूम पे जब भी आएगा घरे जाके नहीं खुदा बख्श मेव सु पढ़ा दे सीनी और कह दे ओ बाप हाँ
इरा हमी ऐसे ये मेव खाए बहुत लाज लो तेरे कैसे क्या बाली दिनु घरे रहे हम रेवड़ पर दिनु तंगे वाह हम सुखा दी कुछ कहे कभी कुछ कहे गाय बेटी का लड़ा जमींदार ना करना तुमने यहाँ भी ले जाकर ढेर से मेव खा तू भी अपने गाय बछरू में ताल ले जाकर भाई बहुत चौक जो नु भाई अब सुतीनो में ध्यान ले जा तीर कमान ठान तीर कमान बना ले हाँ अब ये निशानों बांध के बैठ जाए कभी काय दिन बेड़ी का पत्ता में दे काय दिन झाड़का में दे काय दिन आँख खोला का ना दे खूब लबलबी तो हाथ गिरन लग जाए ये बोला केवाड़ी बहुत अच्छी बात है तो कौन खुदा बकस मेव गरीबी हालत में उमराओ महाराज को सास पीटी को बहरो मंगल सिंह महाराज को दो कहा किशनगढ़ गंज किशनगढ़ में हो जाए तो खुदा बकस मेव आधी डाली सूत को आधी खुली ले गो तो जैसे जाकर के भी पूरी और सरदारी सिकरी बैठी बाघ होड़ियान की जितनी मंगल सिंह महाराज के लिए सलाम पे सलाम हो तो चलो जाए एक आखर को अलूर महाराज हो खुदाबा कश्मीर की आदि सी डाली सुती पड़ी आदि सी लटकी पड़ी और यह के नजर आए यानी सलोट करी जाकर के नहीं करा ये कौन है एक आखर को ठोक ठाकर ही तो हो कौन सुन देख के कुड़ गोकरे मेरी डाली सुती हुई है और मेव राख बुरी बात करे ये कौन है कि खुदाबा कश्मीर उमराओ को भाई करा मेव बड़ो घमंड जो डाली सूत के भी मेरे सामने आयो के हुजूर मैंने आपकी खुशी में आज करके नहीं कुछ सूत की कुछ रहेगी आखर को राजा ही तो या को दिमाग लोटो कि या की खुशी इतनी तो तेरे आने की है अगर जाने और कुछ बात होती तो कितनी खुशी मना तो पड़ा दिमाग लोटो क्या मांग ले कुछ मंगल सिंह महाराज ने तीन जवाब दिए मांग ले कुछ क्या आपको दियो सब कुछ न कुछ मांग ले ये तो मेरे बस की ऐसा काम तो है ना जो मैं कही के बाद धान खो दू तो कहा यह के लिए चौकीदारी को हुक्म किशनगढ़ को हुक्म तेरे लिए चौकीदारी दी किशनगढ़ वास की घर की नौकरी घर की अदालत खुदा बकस मेव किशनगढ़ सु आयो और घुरचटी मेव खा दोनों भाई ने हुक्का ताजा करो कौन को खुदा बकस मेव को पिलंग तो बैठ जाए तो कौन क्या तो खुदा बकस मेव सु क्या तो जवाब देते हो घुरचटी क्या बात हमारी चलती है
कैसे टोपी दार बिंदुक को देखियो खर्च बहुत खायो तोड़े दार बिंदुक सु बेटा हमने मुलक मार खायो। हाँ बेटा तोड़ो सिलगायो और दिखायो जाने कद की ठो देसी नहीं पीते। टोपीदार को खर्चा बेटा एक तो दारू दूसरा में टोपी और चटक दी तो रह को धरो को धरो बेटा टोपी को ऐसो भी काम है टोपीदार बिंदुक तो थोड़ी टोपी चटक जा काम की ना हमारो तो काम ऐसो है कि थोड़ा सिलगा लियो और दिखाई जाने कद की ठो को मारे। जमींदारों काम तो ना करे औंधी बातन सु राजनीति की बातन पे चले बेटा 500 रुपया की कीमत है या की छोटी सी कीमत ना है जाए मैं तो बुला के दूं फिरा बिना राजकाज के मिले ना है। हमारे तो हिंद तोड़ेदार है और क्या बिना लाइसेंस की लाठी रखे हमने कहा करना बेटा मान की ठीक है बड़ा जैसे खुदा बकस में संधा में सु बंगला का मैं निकाल कर इनको तोड़ेदार बिंदु के पकड़ा दे ला बेटा या सु खेलिया करो शिकार कोई सौ के तो तुम दोनों भाई कौन गाय बछरू ने बकरी भेड़न ने मेल के ले जाए और गिदावड़ा में चरण लग जाए ढोर बकरी तो और अब इनके निशानों बांधना शुरू करो कौन से तोड़ेदार से थोड़ा है सिलगा ने और आप काय दिन तो मारे आकोड़ा का पत्ता काय दिन मारे भेड़ी का है और काय दिन ऊपरा को ऐसे निशानों बांधन लग जाए धनु करके है जा बखत इनका खूब हाथ बैठ को सूत पे और अब ये ढोर बकरी इनको ख्याल है तो छोड़ दे जंगल में छोड़ दे गिदावड़ा में चरे करे एक चपड़ासी जिनका फिरोज पर लिखर के नहीं कहा को जाए चौंडाल पर मिर्जा पर मही को कोई जमा के वजह से या कोई कागजात लेकर दुनारी बिंदु सेना जी की कंधा के लगरी कागजात हाथ में और ढोंडन की घाटी में कसर सरात का कहो चलो जाए। ये दोनों भाई बैठे हुए कौन खुदा बस का घुटनी मेव इनके निगाह सेना जी पढ़ो और मेव खाने कही करा घुटनी हाँ देवारी तक चीज तो यहाँ पे है घुरचड़ी तो ना मेव खाए या सुबातन में लग जाए सेना जी की मेरे घुरचड़ी ने देखे हमको कंधा में से जनकद की बिंदु कारतूसी सलाह खींच ली खींच के नहीं रविया ने तक तो ली के बाद चीज तो जोर की सेना जी बोलो रे भाई मेरी चीज मोह को दे दे मेरी ना तेरी ना इलाज काज के सौदा कह जाए भी बहुत दिनों से बोले हमने प्रोग्राम में हमको तू आज मिलो ही सौदा। ओ भाई मेरा ओ लाला खुदा तो किसका मेरी बात तो सुनियो इतना काम हो जाएगा मेरे बच्चन के की फांसी दे तो क्या तो सेना जी कहता है राज को सौदा अगर राज के जज की कहूँ तक बिना छोड़ देगा और भैया के बच्चान के फांसी की दे पड़ा बिंदु का पकड़ा दे जा ले जा लेकिन कारीगर लाहौर में कहा के सुनिए हूँ लाएंगा कारीगर लाहौर में दिया सेना जी चलो जाए अपने दफ्तर काम में निकलने को कहा बा घोड़ा के जंगल में तो कौन इतनी बात को सुन के नहीं ये अपने घर को चले आवे लाहौर की ने पता लगो अभी तो बड़े घमंड में के बाद 500 रुपया की तो बाप ही बता रहा 500 बिना नहावे 250 बिना नहावे तनू करके जुल्ला कसाई और कोशिश सुनाते बछड़ा ने बेच के दी कहा कुछ चलो जाए हसनपुर को वैसे तैयारी घाट की मैं कर झिरका फिरोज पर में मारे लड्डू वड्डू जो कुछ बालकन को लेनो देनो और वह पल्ला में बांध के लेके गए और वह नहीं रोगान सुनो करे खुदा बख्श मेव का घुरचड़ी मेव का ऐसा हुआ है कि जो कोई जाए वही लूट के खा जाए जुल्ला कसाई पे कानपुरी लाठी और कसरी को फेंटा गुरम का मुद्दा और पीतम्बरी धोती बांध रखी 250 रुपया नफा के लेकर के कसाई और 250 के घर के 500 रुपया नौड़ी में भर रहे ढांड भांडन की घाटी को चढ़ जाए
सगसगाट कर पल्ले चलो जाए। कौन ढांडल कौन एक चिमार यासड़ा गेल में मिल जाए कौन जुल्ला कसाई है। करा एक बात बता दे कहाँ रहे तू। ए भाई मैं तो जुल्ला कसाई हूँ। कहाँ को हसनपुर को कहाँ गुजारो अपना गांव को कहाँ सो आयो के कोशिश के तो पर रकम तो ना है के 500 रुपया केवड़ी खुदा बकस का पागा ने तो बच के ना जान फिर दुआ नाम ने घर ये नहीं छिना लेगा कसाई ने आर अचक देसी ने उतार के डोर काला के परम ठाकी डोर बंदरी नोरी सड़ा के सिल्ली के तरह दबा दबका दे काएंगे पत्थर के और चलो जाए। खुदा बकस को घुरते डी ने खा दोनों भाई देखे तो सिलन पे बैठे हैं और यही बात की माला फेर रहे हैं कि कोई ऐसा आवे जो हमको 500-400 रुपया न दे रही। आगे आगे चिमार